सो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनसॉल्व नंबर 10। एज यू नो द ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फर्स्टली यू हैव टू मेड एज यू सी इन अ सॉल्यूशन द फर्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट। सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट द क्वेश्चन वॉन्ट। इन दिस केस I am just reading the question. The following particulars are obtained from the records of manufacturing concern. क्या मतलब है सर इसका? Today first information जो है it is not related. Just the one thing they are manufacturing a thing or any item. Which item? Product A and product B. तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट लाइन से कोई मतलब है कि ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब प्रोडक्ट ए की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट बी की इन्फॉर्मेशन है, कई क्वेश्चन से आप देख रहे हैं। करना क्या है हम लोगों को यहाँ से, क्योंकि ये जो पोर्शन है इससे आप अवेयर हैं, ये कई बार किया गया है, कई बार देखा गया ये इन्फॉर्मेशन, इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन से चीज़ें निकलती हैं। सर ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? अरे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, बस यही है खाली, और कुछ नहीं है। और इसी से ही हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। करना क्या है वो यहां से देखना है। इफ द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 4000 kg एंड द मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 1000 units, फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। ध्यान से लाइन पर ध्यान दीजिएगा। इफ द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 4000 kg, 4000 को मार्कअप कर दिया गया रॉ मटेरियल को, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, क्या कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है? सर रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर। बिल्कुल सही भाई, नाम बताओ। बहुत बढ़िया, गुड आंसर दिया। क्या नाम बेटा? सौम्या। कल भी बड़ा अच्छा आंसर दे रही थी सौम्या, वेरी गुड। तो यहाँ ये क्वेश्चन में आपका की फैक्टर हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप से प्रोडक्ट ए भी बनाना चाह रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ए को अनलिमिटेड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि उसकी लिमिट है 400 kg, ठीक। और यहाँ पर 200 kg जो है उसके बारे में दे रखा है ₹100 per kg। तो 4000 kg के अकॉर्डिंग एक लिमिट तक का आप यूज करेंगे एक यूनिट में, और उसके बाद जो है आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सेम थिंग इसी तरीके से बी के लिए है। तो ये की फैक्टर हो गया। सौम्या ने बहुत ही शानदार आंसर दिया। अच्छा आगे आते हैं। मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 1000, ये तो उससे भी बड़ा की फैक्टर हो गया सेल्स। अब समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक तरफ तो मटेरियल जितना यूज करेंगे उसकी लिमिट है कि इससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो एक पार्ट हो गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को देख करके करेंगे। और दूसरी yes. जो आपका सेल्स पर्सन खड़ा हुआ है, जो सेल्स बंदा है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करके दें तो ये सेल कर दे, तो यहाँ पर इसने हाथ खड़े कर दिए कि हम 1000 यूनिट्स से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। इतना समझ में आ रहा है? चाहे ए हो चाहे बी, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो हमें सर करना क्या है? अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी हमें ए और बी की कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिससे उसको मार्केट में सेल भी किया जा सके। मतलब ए भी हमारा मार्केट में सेल हो जाए और बी भी हमारा मार्केट में सेल हो जाए, क्योंकि इसकी लिमिट मैक्सिमम जो है वो हम 1000 सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कुछ प्रोड्यूस कर दिया, सपोज करिए कि आपके पास टाइम था और आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, वेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से मैक्सिमम हम बी का भी 1000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा सर, अब इसमें से हम सेल फिर किसको पहले करें? यही तो आपको निकालना है कि नंबर वन किसको दे, कि पहले ए को
ज्यादा प्रोड्यूस करें, फिर जो बच जाए वो बी को दें, ये आपको निकालना है, या हम बी को पहले प्रोड्यूस करें बच जाए तो हम ए को चांस दें, या हम सिर्फ बी ही प्रोड्यूस करें, या हम सिर्फ ए ही प्रोड्यूस करें। तो इस तरह से जो आंसर आपका निकल करके आएगा वो इन चार पॉइंट के बीच में आंसर हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हम पहले ए को प्रोड्यूस करें बच जाए तो बी को प्रोड्यूस करें, सेकंड आंसर ये निकल कर आएगा हम पहले बी को प्रोड्यूस करें फिर बच जाए तो ए को प्रोड्यूस करें, थर्ड आंसर निकल के आएगा नहीं हम सिर्फ बी को ही प्रोड्यूस करेंगे, फोर्थ आंसर निकल करके आएगा हम खाली ए को ही प्रोड्यूस करेंगे। और ये सब आंसर कैसे निकल के आएगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, इन सब का रास्ता एक ही जगह से शुरू होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल करेक्ट, आपके दिमाग में बात आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन में ये थ्री आइटम्स है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। कौन से हैं ये मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये कौन से हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट हैं? सर वेरिएबल कॉस्ट है ये। बिल्कुल करेक्ट, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, सिंपल सा है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर देंगे आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यही बात से पढ़ रहे हैं। अब समस्या क्या थोड़ी सी आती है कि इसको रुपीस में कन्वर्ट करना होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास दे रखे हैं वो बेटा रुपीज में नहीं दे रखे हैं, यूनिट्स की कंडीशन में हमारे पास गिवन है, हमको रुपए में इनको कन्वर्ट करके लिखना होगा। सर कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हाँ सर फॉर्मेट हमारे पास पता है। अब देखिए दो तरीके से आपके पास फॉर्मेट आपको पता है, जब आप कॉस्ट शीट बना रहे थे। सर दो तरह से मतलब, दो तरह का मतलब, आप कॉस्ट शीट में एक कॉलम पर यूनिट का बनाते थे कि नहीं बनाते थे, और एक कॉलम आप टोटल कॉस्ट का बनाते थे, हाँ या नहीं? यस सर। तो जब क्वेश्चन में पर यूनिट कंटेंट दिया है तो हम पर यूनिट के ही बिहाफ पर कंपैरिजन कर लें। सर अगर हम टोटल कॉस्ट करें, हाँ ठीक है, मगर बेटा ये बताइए कि टोटल कॉस्ट में हम पहले कन्वर्ट करें, पर यूनिट से हम टोटल कॉस्ट निकालें। अब जब हम टोटल कॉस्ट निकालें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसकी करंट में मैन्युफैक्चरिंग कितनी कर रहे हैं, मतलब आज की डेट में हम कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास दे नहीं रखा अभी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसको किसी तरह जुगाड़ से करंट प्रोड्यूस निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और जब कंपेयर करने लगेंगे तो हम फिर इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करें। तो जब आसान रास्ता दिया हुआ है तो हमें टिपिकल करने की क्या जरूरत है, सिर्फ हम ए को पहले उठाते हैं, क्वेश्चन में सेल्स गिवन था 1000, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी। नो सर। ओके, इसके बाद हमारे पास जो पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, सीधे सीधे दिखा देता हूँ फटाफट, 200, 300, 100, 200, 300, 1, 2, 3, 1, ये सिंपल सा 231, ये देखिए सिंपल सा 231 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, इसकी वैल्यू आ गई 600, कंट्रीब्यूशन ही हम लोगों को निकालना था, इसकी वैल्यू हमारे पास है 600, वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा सेल्स, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन। ये कोई हमारे लिए डिफिकल्ट काम नहीं है, हम लोग शुरू से कंट्रीब्यूशन निकालते आ रहे हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए। नो सर, ये हमारे लिए कोई टिपिकल काम नहीं है, ये हम लोग बहुत समय से निकालते चले आ रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास जो की फैक्टर होता है हमें उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, ये देखना होता है कि उस कंट्रीब्यूशन का की फैक्टर के साथ में क्या रिलेशन है, जिसमें हमें ज्यादा निकल करके आएगा हम उसी को चूज कर लेंगे। सर क्या मतलब, मतलब ये है कि मटेरियल की हमारे पास लिमिट थी, याद आया कि नहीं आया, मटेरियल और सेल्स दो की लिमिट थी, की फैक्टर, यस सर, लिमिट, ये की फैक्टर था। तो बस करना क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन जो भी निकल करके आ रहा है उसको आपको की फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो क्या फॉर्मूला हमारा बना, जो भी कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाय की फैक्टर, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे की फैक्टर से, और इस तरीके yes. से हमें इंडिविजुअल वे से पता चल जाएगा कंपेयर करने का डेटा. सर, इंडिविजुअल वे से कंपेयर करने का डेटा याद करिए, मैंने आपको क्लास में बोला था एक बच्चे के 400 नंबर और दूसरे बच्चे के भी 400 yes, नंबर, sir. याद आया कि नहीं आया? Yes, sir, yes, sir. तो इंडिविजुअल 400 मार्क्स ए के थे, इंडिविजुअल 400 मार्क्स बी के हैं, तो आप किसको नंबर वन पे रखेंगे? तो आपने कहा था सर यहाँ तो दोनों बराबर हैं. फिर मैंने कहा बेटा अभी इंफॉर्मेशन पूरी सुन लो, इतने में से, इतने में से आउट ऑफ, तो जब आउट ऑफ करा जाता है तो उस आउट ऑफ को इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते हैं. हम लोग मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए. अब जैसे मिस्टर ए हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 500 हैं, और मिस्टर बी हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 800 हैं, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता. तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग परसेंटेज में, ये मैं इसलिए एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ क्योंकि आपके 12th पास करके आए हैं तो आपको परसेंटेज की इम्पोर्टेंस पता है. हम परसेंटेज में मार्क्स को क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ईजिली दो लोग का कंपेरिजन किया जा सके. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. हमें कंपैरिजन करना है तो हम परसेंटेज में आपके मार्क्स को क्यों कंपेयर करते थे, पहले तो यही समझ में आना चाहिए. इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर, यस सर. क्यों आता है? क्यों क्यों हम लोग जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि सर देखना रहता है ना कि मार्क्स तो दोनों के सेम है, परसेंटेज में पता चल जाएगा कौन आगे कौन पीछे, किसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है किसका कम. तो जब हम, बिल्कुल सही है कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं कि दोनों को उसके बीच में कंपेयर किया जा सके. तो कॉमन प्लेटफॉर्म इस तरह के क्वेश्चन में आपका क्या है? की फैक्टर है. यहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म हमें लेना पड़ेगा. कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? मटीरियल है, कि इतने मटीरियल पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ क्या रिलेशन है. तो अब समझ गया ना हम की फैक्टर मटेरियल क्यों ले रहे हैं दोनों का कॉमन प्लेटफॉर्म? यस सर. क्योंकि इसी के बेस पर ही कंपैरिजन किया जाएगा. अब जब इसका आप कंपैरिजन करते हैं तो इस जगह देखिए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है. मटेरियल हमारे पास कितना दे रखा है? 200 दे रखा है एक यूनिट बनाने के लिए. देन 4000 केजी की हमारे पास लिमिट दे रखी है. ये हमारे पास लिमिटेड कंडीशन है कि हम 4000 केजी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो तीन बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी होती हैं. एक तो मटेरियल जो है वो ₹100 है पर केजी. जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अगर हम टोटल कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपीस में तो हम 4000 इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें. इसके बाद में एक यूनिट बनाने के लिए जो हमें रुपए लगे वो कितने लगते हैं? वो हमारे पास ₹200 लगते हैं. यही हमें बस इंफॉर्मेशन देखनी है, एक दो और तीन. बाकी कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है. आ जाते हैं वापस इसी तरीके से, दूसरे वाले का भी सेम चीज ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं. पहले एक को हम लोग समझ लेते हैं. आ जाओ भाई. अब यहाँ पर आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया किसके लिए? ये देखिए 400 हो गया कंट्रीब्यूशन. उसके बाद में जो हमारे पास की फैक्टर है वो कितना यूज होता है? केजी ऑफ मटेरियल पर यूनिट 2 केजी. एक यूनिट बनाने के लिए 2 केजी को हम लोग यूज कर रहे हैं. अच्छा, अब अगर हम कैसे करें तो यहाँ पर देखिए कि 400 दे रखा है. 400 क्या है? दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन. इसके बाद में मटेरियल हमारा की फैक्टर है. अब जो बेटा कंट्रीब्यूशन निकाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वो हमारा पर यूनिट है. एक यूनिट का अगर हमको कंट्रीब्यूशन पता है तो फिर हमें मटेरियल पे भी ध्यान देखना होगा कि मटेरियल पर यूनिट जो है वो हम लोग कितना यूज़ करेंगे. तो जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल हमारे पास 2 केजी एक यूनिट बनाने के लिए.
अब समस्या ये आती है कि यहाँ पर, अच्छा पहले कंप्लीट कर दे, तो 2 kg से जब डिवाइड किया तो ये कंट्रीब्यूशन का आउटपुट निकल के आता है कि हमें 200 जो है वो कंट्रीब्यूशन मटेरियल का मिलता है। ये हमारे पास समस्या सॉल्व हो जाती है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर देखिए कि जो 2 kg है एक यूनिट को बनाने पर वो कैसे आई, कौन मुझे बताएगा कि जो 2 kg है वो एक यूनिट बनाने पर किस तरीके से कैलकुलेट होकर के आया? ये तो भी आगे का मार्केट है। सर हमने क्या कहते हैं 200 को अपने जो की फैक्टर था उससे डिवाइड कर दिया है। की फैक्टर को हमने 200 से डिवाइड कर दिया, ये है हमारा की फैक्टर 4000। इसी का केजी हम यूज कर रहे हैं, केजी में है ना ये। यस सर। और जो मटेरियल है वो हमारे पास 200 है, यही कह रहे हो ना बेटा? यस सर। करेक्ट, यही कहना चाह रही थी ना बेटा? यस सर। अच्छा, अगर हम इसी की फैक्टर के हिसाब से दूसरे को करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 400 kg है, 4000 kg है, और इस जगह पे जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं एक यूनिट बनाने में जो मटेरियल लगता है वो हमारा 500 लगता है। करेक्ट, तो अगर तुम इस तरीके से देखोगी तो ये कितना निकल के आएगा? 8 रुपये निकल करके आएगा। एक बार बुद्धि लगाओ, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। मैं ही बताऊं? सर मटेरियल हाँ मटेरियल वेबर और वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करके सेल्स से डिवाइड कर, मटेरियल और मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करके सेल्स से डिवाइड कर। बिल्कुल गलत आंसर है। हम सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम मटेरियल को ध्यान से देखेंगे। सुनिए, समझिए, देखिए, बोलो। यस सर। जो आपके पास डेटा दे रखा है वो 200 जो है वो किसके बेस पे दे रखा है? ₹100, ठीक है, ₹100 पर केजी के लिए। और यहाँ पर ये कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। करेक्ट, फिर से देखो, ₹100 पर केजी, 1 kg जो है वो 1 kg जो है वो 100 रुपये का है। तो तुमने कितना यूज किया होगा? 200 / 100 इज इक्वल टू 2 kg। 500 जो है वो 100 रुपये का है, तो अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें 5 kg मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। यस सर। फिर से समझ लीजिए, जो आपके पास ये रुपीस दे रखे हैं, देखो ये रुपीस में गिवन है कि नहीं गिवन है। तो जब ये रुपीस में गिवन है तो हमारे पास अमाउंट कैसे आया होगा? अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल ऐसे ही तो आया होगा, हम बाजार में गए होंगे एक यूनिट के लिए, हमने उससे कहा होगा कि हमको 2 kg मटेरियल दे दो। तो अब 2 kg अगर मटेरियल परचेज किया तो उसने हमसे कहा 1 kg का 100 रुपये रेट है,
तो हम लोग उससे क्या कहेंगे, ठीक है तुम हमसे 200 रुपए ले लो, हाँ या नहीं? यस सर। तो अब क्योंकि मटेरियल जो है वो हमारे पास देखो केजी में दे रखा है, और हमको जो है कैलकुलेट करके लाना है, क्योंकि हम केजी में किलो में ही तो खरीद करके लाते हैं, तो हमने कितना केजी यूज किया है, रुपए नहीं, हमने कितना केजी यूज किया है वो हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि जो लिमिट दे रखी है वो बेटा देखो क्वांटिटी में दे रखी है, और आपके पास यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी ही मिसिंग थी, उसके रुपए दे रखे थे, तो आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो वो एक बार प्रोडक्ट बी को भी देख लें। आप जब प्रोडक्ट बी में गए तो आपने प्रोडक्ट बी वाले से क्या कहा जब मटेरियल परचेज करने गए, कि हमें 5 kg प्रोडक्ट बी चाहिए, तो 5 kg के लिए उसने आपसे रुपए मांगे कि 100 rupees होता है, तो टोटल तुम उसको कितने रुपए दोगे, 500 दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। तो अब हमें निकालना क्या है, वो ये कंटेंट निकालना है। तो जब इस कंटेंट को निकालना है तो आप क्या करें, जितने रुपए हैं उससे टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या मैं समझू, इतना समझ में आ गया कि फिर से समझाऊं? यस सर आ गया। बाकी स्टूडेंट बताएं। यस सर। तो इस डाल लीजिएगा, ये कॉपी में लिख लीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू प्राइस। ये कॉस्टिंग में जगह जगह यूज होता है। कितना आता है समझ में? यस सर। अब अगर क्वेश्चन में कोई दो आइटम दिए हो तो थर्ड आइटम आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अपनी कॉपी में ये लिख लीजिएगा, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको हेल्प भी मिलेगी, क्वांटिटी इनटू रेट। और हमने क्वांटिटी निकाली, हम मुझे कोई बताएगा क्वांटिटी क्यों निकाली? कोई हमें बताएगा कि यहाँ पर क्वांटिटी बेटा क्यों निकाली गई? क्योंकि यही क्वांटिटी हमारा की फैक्टर है, और जो हमको किलो मिलेगा, अब बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 4000 kg ही रॉ मटेरियल मिल पाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आया फिर बताऊं? हेलो, एम आई ऑडिबल क्लास? मेरी आवाज आ रही है क्लास? यस सर। अच्छा, यहाँ तक जो बताया इसमें किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, बस खत्म। अब इसके बाद आप फिर क्या करना, फिर क्या बेटा, सब खत्म हो गया? फिर आपको बस खाली घर में बैठ करके इस क्वेश्चन को लगाना, प्रैक्टिस करनी है। सर कैसे, अब किस तरीके से? अब आपने जब से 2 kg और 5 kg निकाल लिया, दिस इज द मेन टिपिकल वर्क जो मैंने आपको करके दिखा दिया कि 2 kg और 5 kg कैसे आया है। एक बार इसको कॉपी में करिएगा, और कॉपी में करने के बाद में उसकी फोटो भेजिएगा, जैसे मैं देखता हूँ कि और सब्जेक्ट में आपने भेजा हुआ है तो इसकी फोटो भेजेंगे, लगेगा हाँ उन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, तो वो आगे की चीजें और समझ जाएंगे। देन अब हमने आपको सिखा दिया कि हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल देना है। इसी तरीके से एक यूनिट में मटेरियल हमारा कितना कंज्यूम्ड हुआ है वो हमको निकाल देना है। आफ्टर देन इसके बेस पर हमें मिल जाएगा क्या, कि एक कंट्रीब्यूशन से हमारा क्या आउटपुट निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर 200 का निकल के आया कंट्रीब्यूशन एक यूनिट के लिए, मतलब हम जब इतना मटेरियल लगाते हैं तो हमें 400 का रिटर्न मिलता है, तो एक मटेरियल के ऊपर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? देखो इसी लिखा है कंट्रीब्यूशन पर केजी, तो एक केजी के ऊपर हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जिसका ज्यादा होगा उसको हम ले लेंगे।
तो आपने यहाँ पे साफ साफ देखा कि हम किसको ले लेंगे नंबर वन पे, ए को, और नंबर टू पे किसको ले लेंगे, बी को। इतना सबको समझ में आता है? तो क्लास यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज देख ली कि ए और बी को हमने सीक्वेंस दे दिया, हमने ए को सबसे पहले रखा और फिर सेकंड नंबर पे हमने बी को रखा। कोई स्टूडेंट मुझे ये बता पाएगा कि हमने ए को पहले नंबर पे क्यों रखा और बी को सेकंड नंबर पे क्यों रखा? कोई भी स्टूडेंट ये बता पाएगा कि हमने ए को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा और बी को सेकंड नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि सर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। कौन दे रहा है आंसर? नाम बताएंगे कौन आंसर दे रहा है? सर सौम्या। तो बेटा यही मान ले कि क्लास में सिर्फ सौम्या ही रहती है या कभी कभी आयुष आजकल है वही, तो सौम्या और आयुष के बेस पे क्लास चलती है, बाकी स्टूडेंट्स को कोई भी मतलब नहीं है। तो अब बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपनी कॉपी में यही वाला सॉल्यूशन करके हमको भेजेंगे, तब मैं आगे वाली क्लास में दूसरा कोई प्रैक्टिकल की बात करूंगा। ओके बेटा, सौम्या समझ गई आप तो भेज ही देंगी इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको करना है और करके मुझे इसका सॉल्यूशन आपको भेजना है। ओके सर। ओके, अब आप सौम्या तो बात समझ ही गई और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर नहीं सुने होंगे तो अगली क्लास से किसी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सौम्या तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आयुष का आ जाएगा, उन्हीं लोगों को मैं आगे कंटेंट पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल, बाकी इसको मतलब नहीं। अच्छा, जरा पापा को लेने गए थे ना, वही क्लास चल रही थी इसलिए जवाब नहीं। नहीं नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजोगे और अगली क्लास के जो और अगर अनसॉल्व मुझे कराने हैं तो तुम्ही दो को कराऊंगा, क्योंकि दो लोगों ने पढ़ा है और इसको पूरा सॉल्व किया है सिस्टम से, तभी वो आगे समझ पाएंगे, अदरवाइज क्लास में खाली बैठने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये वाला पूरा सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, मैंने पूरा करवा दिया, अब रैंक वन और रैंक टू करवा दी। तो आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया कि अभी भी कुछ बचा है? कंप्लीट है सर। नहीं बेटा कंप्लीट नहीं है, पूछो क्यों? सर ये जहाँ तक आपने बताया सर ये इतना तो कंप्लीट आ गया। नहीं, अभी जो सॉल्यूशन है पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। सौम्या क्या तुम बता पाओगी मैं क्यों कह रहा हूँ पूरा सॉल्व? सेल्स बची है सर अभी। एक पॉइंट यहाँ तक आ गया कि आपने ये तो रख लिया कि हमारे पास ए जो है और बी यूनिट में हम ए को नंबर वन पे प्रोड्यूस करेंगे और बी को हम नंबर टू पे प्रोड्यूस करेंगे, ये तो आपने कर लिया। ओके, मगर ए को कितना प्रोड्यूस करेंगे ये भी आपको देखना है। क्यों सर ये हमें क्यों देखना है? क्योंकि यही तो मेन फैक्टर था। और उसके बाद में जब आप सेल करने जाएंगे, जब से जैसे मैंने बताया कि अभी हम सेल करने की बात करेंगे, तो जब हम सेल करने जाएंगे तो सेल करने में सेल्समैन ने क्या कहा था कि हम 1000 यूनिट से ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे, तो हम उतना ही प्रोड्यूस ए को करें ताकि वो मार्केट में जा करके सेल हो जाए। एग्री? Yes, sir. तो सौम्या ने बहुत सही बात बताई कि क्योंकि सेल्स को हमें ध्यान देना है। तो अब देखिए प्रोडक्शन मिक्स क्या है, सिंस डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट इज लिमिटेड, डिमांड मतलब जो मार्केट में सेल करने जा रहे हैं वो 1000 यूनिट्स है, हिंस मटेरियल अवेलेबल विल फर्स्ट बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग, यही मैंने आपको बोला
कि हम मटेरियल ए को पहले प्रोड्यूस करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 यूनिट्स एंड देन बैलेंस मटेरियल विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बी। अच्छा सर ठीक है, तो हमें पहले कितना ए को प्रोड्यूस करना है? बेटा एक ही हजार तो प्रोड्यूस करोगे, तो ए पे हम आते हैं, इसको हमने क्या दे दिया था, नंबर वन दे दिया था। ए को हम सर कितना प्रोड्यूस करेंगे? बेटा 1000 ही तो प्रोड्यूस करोगे क्योंकि वो सेल कर सकते हो, और एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगता है, अब तो तुम समझ गए, मैंने निकाल के बताया था 2 kg। तो टोटल कितने केजी लगेगा? 2000 kg तो लगेगा, 2000। और आपके पास जो मटेरियल की लिमिट थी वो कितने की थी? 4000 की थी। 4000, इस 4000 में से 2000 आपने ए को दे दिए, तो बी के लिए कितना बचा? उल्टा 2000 बचा, उल्टा चलना है, उल्टा। तो जब बी के लिए 2000 बचा, और बी के एक यूनिट बनने में कितना केजी लगता है? 5 kg लगता है। यस सर, अभी निकाल के बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, यस। तो जब बी की एक यूनिट बनाने में 5 kg लगता है, तो 2000 kg से तुम कितने यूनिट बना पाओगे? सर 2000 यूनिट से हम लोग 400 बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे चल के ऐसे उल्टा आएंगे तब खत्म होगा, ऐसे कर नहीं पाएंगे। yes. करना चाहेंगे, इसलिए yes, मैं बता दिया कि इसको उल्टा चलिएगा, उल्टा चल के ही हो पाएगा। मतलब सबसे पहले ए से शुरू करिए, ए को कितने यूनिट्स की डिमांड हो सकती थी? 1000, हमें उतने प्रोड्यूस करने हैं। 1000 प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी लगेगा? 1 kg में 2 kg में एक यूनिट बनता है, 2 kg में एक यूनिट बनता है, तो 1000 यूनिट में 1000 यूनिट बनानी है तो हमें कितना केजी लग जाएगा? हमें ये 2000 केजी लग जाएंगे। ए की बात समझ में आ गई। फिर जब ए की बात समझ में आ गई तो बी को कितना चाहिए? तो बेटा ये 2000 जो है वो तो आपने ए के लिए यूज कर लिए, ये 2000 ए के लिए यूज कर लिए, बाकी कितना बचा? 2000। तो यहाँ पर क्या करना, उल्टा चलना है, बी के लिए उल्टा चलना है, तो बी के लिए अवेलेबल जो मटेरियल बचा वो 2000 kg बचा। इस 2000 kg, 2000 kg है, एक यूनिट बनाने में 5 kg लगता है, तो कितनी यूनिट बनेंगी? 400 यूनिट बनेंगी। तो अब टोटल आंसर आपका आ गया कि मार्केट में आप ए की 1000 यूनिट सेल करोगे और बी की 400 यूनिट सेल करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब आपका टर्न, आप लोग प्रॉब्लम बताइए। पूरा समझ में आ गया? यस सर। तो अब आपका ये यस सर कि यही वाला क्वेश्चन आराम से घर में बैठ करके बुक में आपके पास है, दे रखा है, उससे पूरा सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, और उसकी फोटो मुझको खींच करके भेज दीजिए ताकि कल मैं इसके आगे का कंटेंट आपको 12 करा सकूं, क्योंकि 12 को करने के लिए 10 को समझना और सॉल्व करना जरूरी है। ओरल नहीं होगा क्योंकि अकाउंटेंसी सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। कब तक भेजना? अरे जो कल करना है तो आज रात तक भेजोगे तब तो कल तो एंट्री दूंगा, कल करेंगे ना 12? नहीं, हमें नहीं सर, अभी क्लासेस चलती है ना, हमें भेजना होगा तभी। नहीं, ये तुम्हारा ग्रीन सिग्नल होगा क्वेश्चन नंबर 12 को सीखने के लिए, तो क्लास के पहले मुझे जिन जिन का सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, मैं उनका नाम नोट कर लूंगा कि इतने बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे और ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया। देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो डिफरेंस है ना, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन तो मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैं उसको इजी करके एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको उसमें फील लगता है हमें आ गया, मगर जब तक अपनी कॉपी में आप इसको नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो जब इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे तो कल के लिए ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा। अंजलि गौतम, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। ये क्वेश्चन मुझे शाम तक का सॉल्व करके भेजेंगी आप? जितने लोग मुझे इसका सॉल्यूशन जो है रात तक का भेज देंगे उनको कल मैं अंदर नहीं, रात तक का समय है, अपना आराम से कर लें, कल सुबह तक भेज दें, क्लास शुरू होने से पहले तक का मुझे सॉल्यूशन देखना है। ये इस बात सर, ये एक बात बताइए, हाँ
ग्रुप में भेजना है कि पर्सनली आपको? पर्सनल भेज दो, ग्रुप पे क्या करोगे भेज कर? ग्रुप में कहाँ रखा जाए? ग्रुप में भेजना है, ग्रुप पे भेज दो, पर्सनल भेज। चलो ग्रुप पे भेज दो। ग्रुप बंद हो जाता है सर 2 बजे के बाद, तो आप पर्सनल चैट में मंगवा लीजिए। अच्छा तो फिर पर्सनल भेज दीजिएगा, ठीक है? यस सर। दीना वर्मा आपको आवाज आ रही है? यस सर। कल की क्लास के लिए ये सॉल्यूशन चाहिए होगा, वही ग्रीन सिग्नल होगा। गुड़िया देवी आपको आवाज आ रही है? जिस देखो गुड़िया देवी गायब हो गई। बहरहाल आज जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, सिर्फ सौम्या रेगुलर आंसर। शिल्पी होता क्या है ना कि ये जितनी इस तरह क्लासेस चलती हैं उसमें से सीरियसली कुछ स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, बाकी मोबाइल ऑन करके अटेंडेंस के चक्कर में गायब हो जाते हैं। तो मैंने तो यही कहा कि आप अटेंडेंस के लिए आइए ही मत, बैठे रहिए, मुझसे अटेंडेंस की जरूरत हो मैं कह दूंगा हाँ थे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पढ़ना है खाली वही क्लास में अवेलेबल रहे। चलिए इसको सॉल्व करके भेजिए ताकि कल हम आपको अनसॉल्व नंबर अगला करवा सके। ओके क्लास। ओके सर।